जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर साफ तौर पर सामने आ रही है। और खासतौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है 264 जो है डीएनबी पीजी पोस्ट की बात करें तो वो निकाली गई हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अगर बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो अलग अलग जो है पोस्ट जो है उसके लिए निकाली गई हैं, जहां पर अलग अलग सीट्स जो है निकाली गई हैं। फिलहाल बताया जा रहा है 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर सीट्स निकाली गई हैं, जो कि डीएनबी की बात करें तो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है निकाली गई है। हालांकि ये भी बताया गया 2019 तक अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोई भी सिंगल सीट जो है डीएनबी की नहीं थी, पर उसके बाद अप्रोच की गई सेंटर में और उसके बाद जाकर अब ये इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पहले लिया गया था, अब जो जाकर जो है यहाँ पर आपको 264 सीट्स की बात करें तो वो अलॉट की गई है। अब कहाँ पर किन हॉस्पिटल्स में कितनी कितनी सीट्स होंगी वो भी आपको जानकारी देते। फिलहाल अगर बात करें तो साफ तौर पर बताया गया है कि 34 सीट्स जो हैं, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की बात करें तो 34 सीट्स जो हैं डीएनबी पीजी की वो वहां पर अलॉट की गई हैं, 20 सीट्स जो हैं वो जीएमसी कठुआ में अलॉट की गई हैं, 11 सीट्स जो हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जीएमसी डोडा की बात करें तो वहां पर 11 सीट्स अलॉट की गई हैं, 5 सीट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में की गई हैं, और उसके साथ अगर बात करें 8 सीट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, और 1 सीट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर, 2 सीट्स जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपिया में, 12 सीट्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में, 53 सीट्स जो है जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल अनंतनाग में जो है वो दी गई है। फर्दर अगर बात करें तो 10 डीएनबी सीट जो है अलॉट की गई है जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स रजौरी में, 31 सीट्स जीएमसी श्रीनगर में, 51 सीट्स जो है जीएमसी जम्मू में अलॉट की गई हैं, और उसके साथ 17 सीट्स जो हैं वो जेएलएनएम हॉस्पिटल श्रीनगर में अलॉट की गई हैं, 2 सीट्स जो हैं राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में की गई हैं, 8 सीट्स जो हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में की गई हैं, 6 सीट्स जो हैं शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेमिना में की गई हैं, 20 सीट्स जो हैं स्किम्स सोरा में की गई हैं, 2 सीट्स एसटीएच सोपोर में की गई हैं, और बिसाइड दिस 1 सीट जो है वो एसएनएम हॉस्पिटल ले ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अलॉट की गई है। तो यानी कि 264 सीट्स की बात करें तो इस तरह से इसे डिवाइड किया गया है, और जिस तरह से पहले बताया गया है कि कोई भी सिंगल सीट नहीं थी 2019 तक बात करें जम्मू कश्मीर में, तो अब नए जो हैं अवतार यहाँ पर पोस्ट के साफ तौर पर निकाले गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस मिशन मोड को लेकर ताकि इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डिलीवर हो पाए, और 250 डीएनबी पीजी मेडिकल सीट जो है जम्मू कश्मीर में टेस्टिमोनी टू दिस है। और सेकेंड फेज में जो है ये पहले फेज में इतनी सीट्स निकाली, दूसरा फेज भी इसका आएगा और उसमें और सीट जो है वो यूनियन टेरिटरी के लिए जो है अलॉट जो है वो की जाएंगी। फिलहाल फ्यू डेज बैक ये भी बताया गया इंस्पेक्शन की गई थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में, और अलॉटमेंट ऑफ डीएनबी सीट्स एंड असेसमेंट वाज डन टुडे इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर की बात करें, 2 सीट्स इन द मेडिसिन स्पेशलिटी की बात करें। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट जो है वो साफ तौर पर निकाली गई है ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो है और मजबूती दी जाए, ताकि तमाम जो पेशेंट्स वहां पर आते हैं उन्हें बेहतर फैसिलिटीज जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जाए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।